जय श्री कृष्ण स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसमें आपको फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर निकाल के आपको इक्वेशन का रूट्स निकालना है। जो भी इक्वेशन आपको दिया है उसके आपको फाइंड करने हैं रूट्स। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसी तरह यहाँ पे फैक्टर निकालना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 8 में भी आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट 1, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल होगा 10 वन ज़ा 10। 10 के ऐसे फैक्टर निकालो कि आपको माइनस करने से 3 मिले, तो उसका फैक्टर होगा 5 2 ज़ा 10। 5 में से 2 निकालो तो कितना बचेगा, 3। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म को दो बार लिखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपको सिखाया था, एक्स स्क्वायर को दो बार लिख दिया। अभी 5 2 ज़ा 10, तो 5 और 2 दोनों का मल्टीपल 10। 5 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन माइनस है, तो बड़े डिजिट को माइनस देना है, छोटे डिजिट को प्लस देना है। क्लियर, ओके। माइनस 5x प्लस 2x, देखो ऊपर नीचे x x कट हो गया, x x कट हो गया, x माइनस 5 x प्लस 2, x माइनस 5 x प्लस 2, दोनों को अलग अलग जीरो देना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 5, प्लस 2 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 2। दैट्स रूट 5 एंड माइनस 2। चैप्टर 2 में हम लिखते थे यहाँ पे 0, इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे रूट्स। क्लियर, आगे नंबर 2 के लिए। नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी वही मेथड है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल 2 6 ज़ा 12। 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करने से आपको 1 मिले, इसका कोफिशियंट 1 होगा। तो 12 का फैक्टर निकलेगा 4 3 ज़ा 4 में से 3 माइनस करो तो 1। लिखना कैसे, तो फर्स्ट टर्म को 2 टाइम्स 2x स्क्वायर, ओके। फैक्टर 4x 3x, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो बड़े को प्लस छोटे को माइनस। स्क्वायर कट x कट 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर कट x कट, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 फर्स्ट फैक्टर और दूसरा आएगा 2x माइनस 3 अनदर फैक्टर। क्लियर, दोनों को डिफरेंट जीरो देना है। इज इक्वल टू जीरो, प्लस 2 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 2, माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3 और 2 मल्टीपल का डिवाइड, ओके। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 अपॉन 2, दैट्स रूट। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, रूट एक्स रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीपल √2 × √2 2 2 5 ज़ा 10। समझ आया, इन दोनों का मल्टीपल 2 2 5 ज़ा 10। 10 का फैक्टर निकालो कि आपको 7 मिले, तो 10 का फैक्टर आगे क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में, 5 2 ज़ा 10। इस बार 5 और 2 का प्लस करना है, दोनों का प्लस कितना होगा, 7। लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट टर्म को 2 टाइम्स √2x² √2x² 5x 2x, और दोनों का प्लस करना है, तो मिडिल टर्म प्लस है तो यहाँ पे दोनों को प्लस देना है। क्लियर, अभी देखो x x कट हो गया तो पहला ब्रैकेट क्या आएगा, √2x + 5। क्लियर हो गया। दूसरे के लिए स्क्वायर कट x कट, और यहाँ पे मैंने 2 के लिए फैक्टर निकाला है, 2 की जगह पे √2 × √2, तो ऊपर नीचे √2 √2 कट हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे √2, यानी x + √2 = 0। दोनों को डिफरेंट जीरो देना है। प्लस 5 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 5, √2 मल्टीपल का डिवाइड, प्लस √2 सामने गया तो माइनस √2। तो इस तरह में दो रूट्स मिलेंगे, तो पहला रूट -5/√2 और दूसरा -√2। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको सबसे पहले 8 LCM लेना है। 8 LCM यानी 8 2 ज़ा 16x², 8 × x यानी 8x प्लस 1 का प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों का मल्टीपल करना है, दोनों का मल्टीपल होगा 16 1 ज़ा 16, उसका फैक्टर निकालो कि आपको 8 मिले, तो 4 4 ज़ा 16, 4 और 4 दोनों का प्लस 8। तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट टर्म दो बार लिख देना है, 16x² 16x², और फैक्टर निकाला हमने 4x 4x, यहाँ पे दोनों का प्लस करना है और प्लस में साइन ऑलवेज इक्वल आएगी, मिडल टर्म का साइन माइनस है तो दोनों को माइनस देना है।
चलो स्क्वायर कट एक्स कट, फोर फोर जा 16, यानी बचेगा यहाँ पे 4x, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो -1, 4x -1, सेम एज स्क्वायर कट एक्स कट, फोर फोर जा 16, तो ऊपर आएगा 4x, नीचे आएगा -1, 4x -1 इज इक्वल टू 0, डिफरेंट 0 देना है, -1 सामने गया तो +1, 4 मल्टीपल का डिवाइड, -1 सामने गया तो +1, 4 मल्टीपल का डिवाइड, दैट्स रूट 1/4, 1/4। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 100x² -20x+1, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों का मल्टीपल होगा 100, 100 वन जा 100, उसका फैक्टर निकालो कि आपको +20 मिले, तो फैक्टर निकलेगा 10 जा 100, फैक्टर क्या निकलेगा 10 जा 100, 10 और 10 कितना होता है 20, कैसे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दो बार लिख देना है 100x², 100x², क्लियर, फैक्टर 10x, दोनों का आपको प्लस करना है और प्लस में साइन इक्वल आएगा, मिडिल टर्म माइनस है तो दोनों को माइनस देना है, स्क्वायर कट एक्स कट 0 0 कट, तो ऊपर आएगा 10x, नीचे कुछ नहीं बचा है तो -1, 10x -1, यहाँ पे भी स्क्वायर कट एक्स कट 0 0 कट, ऊपर बचेगा 10x, नीचे बचेगा -1, 10x -1 इज इक्वल टू, दोनों को देना है 0, -1 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +1, 10 मल्टीपल का डिवाइड, सेम एज -1 का +1, 10 मल्टीपल का डिवाइड, तो रूट बनेगा 1/10, 1/10।